दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मेजर आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में जो है कंपैरिजन पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन से ज़रूर आते हैं, कंपलसरी है। या तो आईसी पूछ लेंगे या मैचिंग में पूछ लेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर लॉजिक लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, पैरामीटर्स। तो यहाँ पैरामीटर्स उन सब की ये है क्या क्या वैल्यूज है। तो सबसे पहले पहला पैरामीटर आता है, तो फर्स्ट है बेसिक गेट। तो देखिए, आरटीएल में जो बेसिक गेट होता है वो होता है नॉर गेट होता है, डीटीएल में जो होता है वो नैंड गेट होता है, एसटीएल में जो होता है उसमें भी नैंड गेट होता है, और TTL में भी होता है NAND गेट। ECL में दो गेट होते हैं, NOR और कहने में इनका जो आउटपुट होता है वो एक NOR और दूसरा OR कंप्लीमेंट्री होता है। इनका आउटपुट क्या होता है, NAND होता है सिंगल, इसमें दो आउटपुट होते हैं ECL में। MOS में भी क्या होता है, NAND और NOR। और CMOS में भी क्या होते हैं, NAND और NOR। तो जो देखिए, बेसिक गेट जो इसमें जो बन रहे हैं वो यूनिवर्सल गेट है। NAND और NOR क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनसे क्या बनाई जाती है, लॉजिक फैमिलीज बनाती है। केवल और गेट कहाँ आ रहा है, ECL में। जो दूसरा पैरामीटर होता है फैन आउट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते वैल्यू RTL के लिए जो फैन आउट की वैल्यू होती है वो 3 से 5 के बीच होती है, DTL के लिए वो 8 होती है, STL के लिए 10 फैन आउट, TTL के लिए 10 और ECL के लिए 25 और MOS के लिए कितने 20 और CMOS के लिए कितने 50। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फैन आउट किसका है, वो CMOS का है, और उसके बाद किसका, ECL का फैन आउट। CMOS के बाद किसका है, ECL का, और उसके बाद किसका, MOS का। याद रखना है कि फैन आउट ज़्यादातर पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो हम सब लिख देंगे। तो हमें ये याद रखना, हमें जो है मार्क किया रेक्टेंगल से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। वैल्यूज, जो थर्ड पैरामीटर होता है पावर डिसिपेशन, पर गेट, और ये किस में होती है, मिलीवाट में होती है। RTL के लिए होती है 12, ये मिली वाट में होगी, ठीक है, और इसके लिए होगी 8 से 12 के बीच में। ये STL के लिए होती है 55 मिली वाट, TTL के लिए होती है 10 मिली वाट, इसकी जो 12 से 22 मिली वाट के बीच में होती है। ECL की 40 से 55 मिली वाट के बीच होगी पावर डिसिपेशन, और MOS की जो है 0.2 से 10 मिली वाट के बीच होगी, और CMOS की 0.01 मिली वाट के बीच। तो देखिए, जो सबसे कम जो है पावर डिसिपेशन हो रही है वो CMOS में हो रही है, कितनी 0.01 मिली वाट, उसके बाद किस ये MOS में होती है। सबसे ज़्यादा जो है डिसिपेशन जो हो रही है वो किस में हो रही है, ECL फैमिलीज में हो रही है।
उसका रीज़न है कि ये क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली होती है, क्योंकि ये एक्टिव में वर्क करती है, नॉन सेचुरेशन रीजन से बोलते हैं, ये सेचुरेशन में वर्क नहीं करती है, क्योंकि इसका जो है डिले जो है ज़्यादा होता है, डिले ज़्यादा होने से क्या होता है पावर, क्योंकि सॉरी हमने जो बोला, क्योंकि डिले इसका क्या होता है सबसे कम होता है, तो डिले कम होने से पावर क्या होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो पावर डिसिपिएशन टू टाइम डिले वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी या कम होगी दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो वो बढ़ जाएगी। तो हमें जो मार्क है वो ज़्यादातर याद रखने हैं, और एक TTL के बारे में भी याद रखना है। जो फोर्थ जो है पॉइंट है वो है नॉइज इम्यूनिटी का, नॉइज इम्यूनिटी जो RTL जो फैमिलीज होती है वो ज़्यादा नहीं नॉमिनल, DTL ये गुड नॉइज इम्यूनिटी करता है, STL ये एक्सीलेंट, TTL वेरी गुड, उसके बाद ECL ये है गुड, उसके बाद मॉस जो है नॉमिनल, CMOS वेरी गुड। तो देखिए सबसे ज़्यादा नॉइज इम्यूनिटी कौन करता है, STL लॉजिक फैमिली, इसे मैं याद रखना। उसके बाद आता है वेरी गुड, तो इसमें आता है दो लॉजिक फैमिली है, एक TTL सर्किट और CMOS सर्किट, ये दोनों ही अच्छा नॉइज इम्यूनिटी करती हैं। उसके बाद DTL और ये ECL ये गुड की रेंज में आते हैं, नॉमिनल में दो हैं RTL और MOS। जो फिफ्थ पैरामीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रोपगेशन डिले। जो प्रोपगेशन डिले होगा वो पर गेट होगा, और ये क्या नैनो सेकेंड में लिखा होगा या मेजर किया गया। तो देखिए RTL की जो वैल्यू होती है वह 12 नैनो सेकेंड होती है, DTL की जो वैल्यू जो होती है वो 30 नैनो सेकेंड होती है, STL की वो 90 नैनो सेकेंड होती है, और TTL की जो होती है वो 12 से 6 नैनो सेकेंड होती है, ECL की 4 से 1 के बीच होती है नैनो सेकेंड, और MOS की जो होती है वो 300 नैनो सेकेंड होती है, और CMOS की 70 नैनो सेकेंड। तो देखिए सबसे कम किसकी जो है ECL का, ये प्रोपगेशन डिले कम, सबसे ज़्यादा किसका है MOS का है, ये हमें याद रखना। उसके बाद STL का आता है 90 नैनो सेकेंड, उसके बाद 70 का। तो ये बेसिक पांच जो हैं कंपैरिजन है पैरामीटर सभी लॉजिक फैमिली में, उनकी ये डाटा दे रखी है जो पूछे जाते हैं। तो हम टेबल्स लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फैन आउट लॉजिक फैमिली। तो डिक्रीजिंग में जो सबसे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, लास्ट में क्या डिक्रीज मतलब कम से अधिक से कम की ओर लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसका था, CMOS का था, फैन आउट वो कितना था 50 था, उसके बाद ECL का था वो 25 था, उसके बाद MOS का था वो 20 था, उसके बाद STL और TTL का क्या था आपस में वो बराबर था,
उसके बाद DTL का, उसके बाद का RTL का। अगर हमें इंक्रीजिंग लिखना हो तो सबसे पहले कहाँ से चलेंगे हम, RTL फिर DTL, उसके बाद STL या इन दोनों TTL का, फिर MOS का, फिर ECL का, फिर CMOS का। तो हमें ये याद रखना और ये इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर गेट मिलीवाट। तो इसमें क्या करेंगे, हाइयर से लोअर की ओर जाएंगे, जो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें ECL की जो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद HTL की, उसके बाद RTL की, उसके बाद DTL की, उसके बाद इसमें एक मिसिंग हो गया, पुनः लिखते हैं। ECL सबसे ज़्यादा होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कम HTL का होगा, उससे कम TTL का होगा, उससे कम RTL का होगा, उससे कम DTL का होगा, और उससे कम MOS का होगा, और सबसे कम जो होगा वो CMOS का होगा। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है जो पूछा जाता है। तो देखिए, याद रखने के लिए एक पॉइंट बता देता हूँ, जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो होता है PD इंटू TD, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो PD बराबर CA/TD, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा पावर, अगर पावर कम होगी तो ये बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, ECL का प्रोग्रेशन डिले क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसकी पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा होता है वो MOS का होता है, 300 नैनो सेकेंड होता है, या उसके 250 के आसपास भी वैल्यू आती है नैनो सेकेंड। उसके बाद आता है STL का 90 होता है, CMOS का 70 नैनो सेकेंड होता है, DTL का जो आता है वो 30 नैनो सेकेंड होता है, और RTL का जो है 12, TTL के 612 के बीच में होता है, और ECL का होता है 1-4 के बीच में। तो सबसे कम किसका होता है, ECL का, हमें याद रखना प्रोग्रेशन डिले, क्योंकि ये इसी के लिए, ये क्या होती है, हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है, इसी की स्पीड क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि डिले जो स्पीड होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होती है, डिले की होती है। तो जिसकी डिले कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम कौन सा आता है, CMOS, उससे पहले कौन सा आता, MOS। सबसे कम, हमें सबसे कम याद रखनी है ये और ये वैल्यूज, अब हम पढ़ेंगे TTL की सीरीज। जो TTL की सीरीज चालू होती है वो 7400 से स्टार्ट होती है, ये सीरीज होती है, इसका टेम्परेचर रेंज होता है वो 0 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई स्पीड TTL के लिए जो यूज की जाएगी, तो 7400H00, 7400H01, 7400H02। तो देखिए, यहाँ जो H यूज किया गया वो किसके लिए है, हाई स्पीड के लिए। तो हमें ये IC याद रखना है, ये पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव में, ये इस IC के लिए, ये जो IC लिखा हुआ है किसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है
LPTTL, जो LP यूज़ किया गया है वो लो पावर के लिए किया गया, LP लो पावर TTL। तो इसके लिए जो IC जो की जाएगी वो 74L00 और 74L01। तो जहाँ L सिंगल यूज हो तो वो किसके लिए होगी, लो पावर TTL IC के लिए होगी। लो पावर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, L। हाई स्पीड के लिए क्या किया जा रहा है, H। नेक्स्ट है LPSTTL। तो देखिए इससे पहले LP था, एक इसमें S और जुड़ गया, इस S का मतलब है लो पावर स्कॉट की TTL। तो इसके लिए जो IC यूज़ की जाएगी सीरीज वो होगी 74LS00, 74LS01, 74LS02। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। तो देखिए हमें याद कैसे करना, जो LS अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लो पावर स्कॉट की, L आ जाता है तो लो पावर के लिए, H आ जाता है तो हाई पावर के लिए। ये किसके लिए थे, TTL सीरीज के लिए। अब पढ़ेंगे CMOS के लिए। जो CMOS के लिए यूज की जाती है तो 74HC00, ये जो सीरीज है ये हाई स्पीड CMOS फैमिली के लिए। यहाँ जो HC जो यूज किया जा रहा है, जो H यूज किया जा रहा है वो हाई स्पीड के लिए है, और जो 74C00 ये क्या होती है, CMOS फैमिली। यहाँ पे H नहीं आ रहा, तो अगर जहाँ H आ जाता है वो हाई स्पीड के लिए। ओनली जो CMOS फैमिली जो है, जिससे जो है रिप्रेजेंट की जाती है, वो क्या होता है, 74C00। अब वहाँ पे हाई स्पीड लो पावर जो 74HCT ये क्या होती है, हाई स्पीड CMOS डिजाइन टू वी डायरेक्टली कंपेटेबल विद TTL डिवाइस। ये जो है कंपेटेबल मतलब इंटरफेसिंग के लिए ये सीरीज यूज की जाती है हाई स्पीड। जो ECL के लिए जो की जाती है वो है MECL10K, MEC100K। तो ये MEC जो है ये ECL फैमिली के लिए जो है वो IC यूज की जाती है, ज़्यादातर पूछ ली जाती है। अब पढ़ेंगे वोल्टेज सप्लाई फॉर TTL ECL CMOS लॉजिक। इसमें क्या है, वोल्टेज सप्लाई पढ़ेंगे, उसकी हाई लेवल और लो लेवल, वोल्टेज की रेंज और उसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले TTL के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, इसमें VCC जो सप्लाई होगी वो 5 वोल्ट होगी, इसमें जो रेंज होगी वो 2.4 से 5 होगी, इसकी टिपिकल वैल्यू होगी 3.5 हाई लेवल में, और लो लेवल में होगी 0 से 0.4, और इसकी टिपिकल वैल्यू होगी 0 से 0.2। ECL के लिए इसमें VEE जो होता है वो नेगेटिव सप्लाई होती है वो 5.2, ये इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, और इसकी जो हाई लेवल की रेंज होती है -0.95 -0.7, और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 0.8, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना है। -1.9 से 1.6 जो है लो लेवल वोल्टेज, तो इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 1.8। CMOS जो VDD जो इसमें सप्लाई ड्रेन वोल्टेज यूज किया जाता है वो 3 से 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी। तो इसमें क्या होती है, VDD होती है टिपिकल वैल्यू, इसमें क्या होती है VDD, सेम वही होता है। यहाँ पर 3 से 10 के बीच में जो रेंज दे रखी है, कोई भी वोल्टेज सप्लाई ले सकते हैं, और इसमें जो लो में होती है वो 0 से 0.5 रेंज में होती है, और टिपिकल वैल्यू क्या होती है वो 0 होती है CMOS के लिए। पॉजिटिव लॉजिक
लॉजिक वन और ये लॉजिक जीरो। पॉजिटिव लॉजिक, लॉजिक वन मीन्स हाई वोल्टेज सप्लाई और लॉजिक जीरो मीन्स लो वोल्टेज सप्लाई। तो इसका जो ये ग्राफ होता है ये एच और ये है एल, ये है जीरो और ये है वन। नेगेटिव लॉजिक में लॉजिक जीरो और लॉजिक वन। देखिए इसके लिए क्या है, ये एच और एल, ये जीरो के लिए और ये है वन के लिए। इसमें क्या होगा, हाई होगा जीरो होगा, इसमें नेगेटिव में क्या होगा, लो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, वो लॉजिक वन दर्शाएगा लो वैल्यू, हाई वैल्यू क्या दर्शाएगा इसमें, लॉजिक जीरो दर्शाएगा नेगेटिव लॉजिक में। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है जो थ्योरी में पूछी जा सकती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।